त्योहार में घर में मिठाई तो बनती है और बेसन के लड्डू बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन लड्डू की रेसिपी। बेसन लड्डू बनाने के लिए 1/4 कप घी को हम मेल्ट करेंगे पैन में। इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप बेसन फ्लावर। इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें इसको मिक्स करना है। लगभग 5 से 7 मिनट तक हम इसे मिक्स दे देंगे। लगभग 7 मिनट के बाद घी और बेसन फ्लावर अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और टेक्सचर कुछ इस तरह से ग्रेनी दिख रहा है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मिक्सचर में कोई भी लम्स न रहे। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है। अब हम 1-1 टीस्पून करके घी ऐड करते रहेंगे और बेसन को अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। बेसन को मीडियम थिन कंसिस्टेंसी आने तक हमें पतला करना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा घी ऐड करने से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि 1/2 कप घी ही काफ़ी है 1.5 कप बेसन फ्लावर के लिए। लगभग 20-25 मिनट तक हमें बेसन को घी में रोस्ट करना है। लगभग 25 मिनट हो गए हैं, हमने इसे लगभग 25 मिनट तक घी में रोस्ट किया है। अब इस तरह से हमें बेसन की कंसिस्टेंसी रखनी है। हमने 3/4 कप घी लिया था, उसमें से लगभग 2 टेबलस्पून घी बचा है। हमने 1/2 कप घी यूज़ किया है। इस स्टेज पे हम इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क स्प्रिंकल करेंगे और इसको एक मिक्स दे देंगे। इससे ये मिश्रण फिर से थोड़ा गाढ़ा होगा। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। 20-25 मिनट के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे।
ये अब ठंडा हो गया है, हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 3/4 कप पाउडर शुगर, और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसका एक डव बनाएंगे। ये हमारा डो बनके तैयार है, हम इसके लड्डू बनाएंगे। अब हम चेक करते हैं कि इसके लड्डू बन सकते हैं कि नहीं। तो ये राइट कंसिस्टेंसी का डो है, इसके लड्डू अच्छी तरह से बन रहे हैं। इस पे हम नट्स से गार्निश करेंगे। अपने मनपसंद के कोई भी नट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने आलमंड, रेजिन और पिस्टेचियो का यूज़ किया है। वन एंड हाफ कप बेसन में हमने लगभग 13 बेसन के लड्डू बनाए हैं। हमारे बेसन के लड्डू बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे आप ट्राई कीजिए, और कैसे बनी है रेसिपी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते रहेंगे ऐसी नई रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।